रिकवर करेंगे। लास्ट आपका वीडियो टिप्स फॉर जॉब्स फ्रेशर्स, टिप्स फॉर जॉब्स फ्रेशर्स, ये मेरा लास्ट वीडियो है। सबसे ज्यादा जबलपुर में या किसी भी सिटी में नहीं है जॉब, नहीं है जॉब का लाना लगा था फ्रेशर, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या था, एक जॉब छोड़ते एक्सपीरियंस दूसरे जॉब पे चला जाता है, ठीक है। आपके पिताजी तो चिल्लाते नहीं जॉब नहीं जॉब नहीं, मम्मी भी नहीं चिल्लाती, आप ही चिल्लाते हो जॉब नहीं है। अरे जॉब है, जॉब सर्चिंग तो करिए। फ्रेशर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि कोई भी कंपनी आपको सीधे कॉल नहीं करती है। आप लोग क्यों मानते हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, एचआर सीधे आपको कॉल करने की जगह एक्सपीरियंस वाले को पहले देख लेता है, या फिर अगर तुम्हारा रिज्यूम अच्छा तो कॉल आ जाएगा, तो तुमने रिज्यूम भी अच्छा नहीं बना, सीवी अच्छा नहीं बना है, तो कॉल नहीं आ रहा। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको कहा ना कि खुद भी कभी जा जाके कंपनी के साइट पर देखा करो, जाके वॉकिंग में बैठा करो, तो आप खुद भी नहीं कहीं करवाए जाते, आप केवल उम्मीद करते हैं कि सुबह उठूंगा और चार पांच एचआर के फोन आएंगे, आओ 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 आओ, ऐसा होगा क्या? ठीक है, जैसे कई बार छत पे कई लोग आओ आकर के वो बोलाते आओ आओ आओ, ऐसे तो ना आपको बोल रहा है चावल के दाने डाल के। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेशर्स के लिए कैसे जॉब करना है। सबसे पहला टिप क्या है, अपने शहर में जितनी भी आईटी कंपनीज है या जिस भी सेक्टर में आप, वो लिस्ट बनाओ कि आपके शहर में कितनी कंपनियां हैं। आप गूगल में जाएंगे आपको लिस्ट मिलेगी। विस्तार के यूट्यूब चैनल में भी मैंने 28 कंपनीज आईटी के बताई है जबलपुर में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनाना है सारी आईटी कंपनीज का कि मेरे जो भी प्रोफाइल है कौन सी कंपनी में प्रोफाइल में जॉब देती है। जैसे एग्जाम्पल मैनेजमेंट वाले, मैनेजमेंट वालों को ये बनाना चाहिए लिस्ट कि प्राइवेट बैंक्स मेरे जबलपुर में कितने हैं, आईटी वालों को आईटी सेक्टर कितने हैं, एक्सेल वाले को एक्सेल कितने हैं, प्रोफेसर्स को कॉलेजेस कितने हैं। तो सबसे पहले आप अपने शहर की लिस्टिंग बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहर में एक भी ना हो, शहर में रहते हैं पर आपने लिस्टिंग बनाई नहीं बनाई, तो पहले आप लिस्टिंग बनाइए। दूसरा, सभी के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी नोट करते जाइए। ईमेल आईडी क्यों, क्योंकि आपको अपना रेज्यूम सबको ईमेल करना है, और आप सीधे जाके भी आप उनको रिज्यूम जाके दे सकते हैं, सीवी दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बच्चों का ग्रेजुएशन होता है अगले दिन वो बंडल ऑफ सीवी ले जाते हैं और सब जगह सीवी डाल